30 देश के 200 से ज्यादा बौद्ध नालंदा खंडन का अवलोकन किया। दिल्ली में आयोजित बुद्ध कांस्टेबल में शामिल होने आए दुनिया के 30 देशों के लगभग 200 से अधिक बौद्ध शनिवार को बोध होते हुए राजगीर एवं नालंदा खंडहर की धरती पर पहुंचे और अवलोकन किया। राजगीर पहुंचकर IRC में जलपान के बाद बेनुबन का अवलोकन किया एवं महावीर बुद्ध के प्रतिमा के समीप पूजा पाठ किया। उसके बाद नालंदा खंडहर पहुंचे, जहां 2 घंटों तक समय बिताने के बाद सभी लोग बोध गया के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर राजगीर एवं नालंदा के बीच तथा खंडहर के ईद गीत प्रशासन द्वारा काफी पुख्ता चुस्त व्यवस्था की गई थी। साथ आए श्रीलंका के पर्यटक मंत्री रंजीत अलू बिहारे ने पर्यटक मंत्री प्रमोद कुमार सिंह, ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। श्रीलंका के पर्यटक मंत्री रंजीत अलू बिहार ने कहा कि नालंदा बौद्ध का महान तीर्थ स्थान है, यहाँ आकर मुझे काफी खुशी हुई। नालंदा का यह धरोहर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का धरोहर को पुरातत्व विभाग काफी संभाल कर रखा है। कहा कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, अगली बार मैं परिवार के साथ इस धरती पर जरूर आएंगे। ग्राम विकास मंत्री संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज 30 देश के डेलीगेट यहां पर आए हैं, जिसे श्रीलंका के पर्यटक मंत्री सहित 5 अन्य देश के मंत्री आए हैं। भगवान बुद्ध राजगीर एवं नालंदा आए थे और 5 वर्षों तक राजगीर के बेनुबन में वनवास किए थे। इन लोगों को उन्होंने देखने आए डेलीग्रेट जानने की कोशिश की कि इस धरती पर महान मिट्टी बिहार का ऐसा मिट्टी